हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सर्वोदय रिसर्च अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीए थर्ड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इग्नू के थ्रू कंडक्ट की गई थी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पेपर हमारा EPA 5, जो कि वित्तीय प्रशासन से रिलेटेड है, और इसका एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में कंडक्ट हुई थी। तो अगर इस पेपर की बात की जाए, तो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया गया था, और इसके लिए फुल मार्क्स थे 100, और अगर भारिता की बात की जाए तो 70% इसकी भारिता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हमारा यहाँ नोट कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं, यानी कि दो प्रश्न को सॉल्व करना है जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का 20 अंक है फुल मार्क्स, और इन प्रश्नों को 500 शब्दों में लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रशासन के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस का आंसर नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको इसका आंसर जानना है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसकी डिटेल एनालिसिस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय बजट प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों पर एक टिप्पणी लिखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में श्रृंखलाबद्ध कार्यवाहियाँ शामिल हैं, व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, इन चार क्वेश्चंस में से हमें केवल दो प्रश्नों का उत्तर देना है 500 शब्दों में। तो चलिए खंड 2 में देखते हैं। इसमें भी नोट कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 12 अंक हैं, यानी कि हमें चार प्रश्नों का उत्तर देना है 250 शब्दों में, प्रत्येक के लिए 12 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कह रहा है, संघवाद के मूल लक्षणों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बजट के कार्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, शून्य आधारित बजट प्रणाली के कुछ लाभ और हानियां हैं, विश्लेषण कीजिए। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे के वित्तीयन को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपायों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोक व्यय पर विधायी नियंत्रण के साधनों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सांविधानिक लेखा परीक्षणों के लक्षणों का उल्लेख कीजिए और आंतरिक लेखा परीक्षण से इसकी भिन्नता स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सार्वजनिक उपक्रमों में वित्तीय प्रशासन के कार्यों पर एक टिप्पणी लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 12 है, शहरी स्थानीय वित्त की पारिस्थितिकी की चर्चा कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर खंड 2 की बात की जाए, तो इसमें चार क्वेश्चंस बनाने हैं, जिसमें से प्रत्येक का टोटल मार्क्स है 12, और 250 शब्दों में हमें लिखना है। अगर खंड 3 की बात की जाए, तो खंड 3 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए, और जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं इसमें। तो क्वेश्चन कह रहा है, बजट के मदवार वर्गीकरण के गुण और दोषों की सूची तैयार कीजिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन बजट प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सार्वजनिक उपक्रमों के वित्तीय उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रामीण विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें खंड 3 में से दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस इजी लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये इसका डिटेल वीडियो एनालिसिस चाहिए आंसर के साथ, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।